दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की ओर से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह करवा दी गई है। हालांकि सुलह के बाद कांग्रेस का राजस्थान में क्या फॉर्मूला होगा और इसमें सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी अभी तय नहीं है, लेकिन इस सुलह के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने जो निर्णय लिया है वह पार्टी के हित में है, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान जीतेंगे। राजस्थान की योजनाओं से जनता खुश है, सभी नेताओं के साथ राजस्थान में भीड़ जुट रही है। इस मौके पर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, उन्हें पिछले 9 वर्ष का हिसाब देना चाहिए। आदर्श गांव बनाने की बात कही थी, जनता आदर्श गांवों को ढूंढ रही है। एआरसीपी के मुद्दे पर भी पीएम को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। और खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बैठ कर जो भी डिसीजन लिया वो पार्टी के हित में, और साफ वेणुगोपाल जी ने बाहर आकर कहा कि संगठित होकर जाएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे और चुनाव जीतना मकसद है, तो बातें सब खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब कुछ पार्टी नेतृत्व की मजबूती के साथ कोई बात कह रहा है तो हाईकमांड को कब क्या कहना है, वो बोलता है अपनी बात। जब हाईकमांड कह चुका हो तो उसके बाद मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का कोई जवाब महत्व नहीं है। अब क्या फार्मूला रहेगा, क्योंकि ये भी पार्टी आलाकमानी तय करेगा, लेकिन किस फार्मूले में फिट बैठ पाएंगे? फार्मूला मेरे पास नहीं है, ये अंदर दिल्ली में क्या हुआ आप जानते हैं, मैं तो साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, वो सोच समझ कर उन्होंने सही लाइन ऑफ एक्शन तय किया होगा, क्योंकि दिल्ली को बहुत चिंता है। दिल्ली जानती है मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, ऐसे में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आए, वो सब लाइन ऑफ एक्शन होता है।